देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021-2022 के लिए कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 समकालीन विश्व राजनीति कि हम पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे 80 में से 80 नंबर लेकर के आएंगे। राजनीति में हमको गैप भी नहीं मिला है, इसलिए हम इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, ये वाला अध्याय हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे, बारीकी से हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न देखेंगे जो तो परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए ये देखो ना। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है। परंपरागत सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है, ठीक है, क्या डिफरेंस है। गठबंधनों के का निर्माण करना और उनको बनाए रखना, इनमें से किस कोटि में आता है। परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है। गठबंधन का निर्माण करना और उनको बनाए रखना में क्या अंतर आता है। देखो, हम यहाँ पर समझेंगे परंपरागत सुरक्षा किसे कहते हैं और अपारंपरिक सुरक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला पॉइंट, परंपरागत सुरक्षा की धारणा का संबंध मुख्यतः बाहरी खतरों से होता है। परंपरागत सुरक्षा का मतलब ये होता है कि हमारा एक देश है, हमारे देश के जो अड़ोसी पड़ोसी देश होते हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, जो भी देश हो गया, वो अगर हम पे हमला कर रहा है ना, ठीक है, तो उसको झेलना क्या कहलाएगा, परंपरागत सुरक्षा। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा का संबंध बाहरी खतरों के साथ साथ अन्य खतरों से भी होता है। जैसे अपरंपरागत खतरा कोरोना वायरस से खतरा हो गया, गृह देश के अंदर ही एक जात वाले की दूसरे जात वाले से लड़ाई हो गई, एक धर्म के दूसरे धर्म से क्या हो गई, लड़ाई हो गई, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपारंपरिक सुरक्षा उसको हम कहेंगे। अगला, परंपरागत सुरक्षा की धारणा में सैन्य खतरों को किसी देश के लिए सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है। अगर कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर सैनिकों से हमला कर दे, है ना, भारत पाकिस्तान के ऊपर चाइना से सैनिक से हमला कर दे, या भारत श्रीलंका या फिर कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर सैनिकों से क्या कर दे, हमला कर दे, तो सबसे खतरनाक मानते हैं। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में सैन्य खतरों को नहीं अपितु मानवीय अस्तित्व पर प्रहार करने वाले व्यापक खतरों एवं आकांक्षाओं को भी खतरनाक मानते हैं। सैनिक से हमला नहीं कर रहे, लेकिन कोरोना वायरस से हमला कर दिया चाइना ने, वायरस आ गया, महामारी आ गई, ठीक है, इसको अकाल पड़ गया, है ना, देश में खाने पीने की कमी पड़ गई, देश में पैसा पैसा कम पड़ गया, देश की जीडीपी गिर गई, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपारंपरिक अपन क्या बोलेंगे, उसको खतरा अपन उसको बोलेंगे। परंपरागत सुरक्षा में खतरे का स्रोत कोई विदेशी देश होता है। परंपरागत सुरक्षा में खतरे का स्रोत कहाँ से, कहाँ खतरा कहाँ से आता है, विदेशी देश से आता है। ठीक है, वह देश को सैनिक आक्रमण की धमकी देगा, हम आक्रमण करने वाले करके, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे देश के केंद्रीय मूल्य में खतरा पैदा कर देगा, देश को तोड़ देगा बीच से। ठीक है, और अपारंपरिक धारणा में क्या होता है, विदेशी राष्ट्र के साथ संबंध वगैरह होते हैं, है ना, का स्रोत भी विदेशी देश हो सकता है। अगला, परंपरागत सुरक्षा में एक देश की सेना एवं नागरिकों को दूसरे देश की सेना एवं नागरिकों से खतरा होता है, दूसरे देश की सेना से खतरा होता है। ठीक है, और अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में देश के नागरिकों से विदेशी सेना के साथ साथ स्वयं के देश की सरकार से बचना जरूरी होता है। ठीक है, अब खुद के देश की सरकार ऐसी गलत नियम लेकर के आ रही, खुद के देश की सरकार गलत कानून बना रही है जिससे देश का महंगाई बढ़ रही है ना, तो ये भी कौन सा खतरा है, अपारंपरिक खतरा है। देश की जीडीपी कम हो रही है, ये भी अपारंपरिक खतरा है। देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया, ये भी क्या है, अपारंपरिक खतरा है। और परंपरागत खतरा में क्या होता है, दूसरे देश की सेना से खतरा होता है। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा की धारणा में बाहरी खतरा अथवा आक्रमण से निपटने के लिए युद्ध के तीन विकल्प होते हैं। पहला, आत्मसमर्पण कर दो, भैया ठीक, भैया आप जो चाहते हो आपकी बात मान लेंगे, है ना, हार मान लो, बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दो, हाँ भैया ठीक, तुम बड़े तुम्हारा बड़ा, है ना, कि ठीक है ना। दूसरा, आक्रमणकारी देश की मानना, जो आक्रमणकारी देश होते हैं उन लोग की बात मानना, आक्रमणकारी देश, या फिर तीसरा, की लड़ाई लड़के आक्रमणकारी देश को युद्ध में हरा देना। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में क्या होता है, एक राष्ट्र को आपदा आतंकवाद महामारी पर अंकुश लगा करके जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान करना होता है, किसमें, अपारंपरिक सुरक्षा में। अगला, गठबंधन का निर्माण करना उनको बनाए रखना परंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब अगला प्रश्न यहां पर देखो,
तीसरी, दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है? तीसरी दुनिया के देश, कौन सी दुनिया के देश? तीसरी दुनिया के देश किसको बोलेंगे? और विकसित देश, जो विकसित देश है उनकी जनता के सामने क्या खतरे में क्या अंतर है, कौन कौन से खतरे आते हैं? ठीक है, तीसरी दुनिया के देश और उसमें, ना तो देखो, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों में सुरक्षा के पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों में अंतर है। तो तीसरी दुनिया के देश होते हैं जो किसी से ताल्लुक नहीं रखते, अपनी अपनी अलग अलग थलग देश है, उसको बोलेंगे अपन तीसरी दुनिया के देश। उसमें कौन कौन से खतरे आते हैं? पारंपरिक और अपारंपरिक, है ना। और विकसित देशों में कौन कौन से पारंपरिक और अपारंपरिक खतरे आते हैं, अपन वो देखेंगे। तीसरी दुनिया के देश विकासशील अथवा अल्प विकसित होते हैं। तीसरी दुनिया के देश कैसे होते हैं? विकासशील। भारत तीसरी दुनिया का देश है, वो भी विकासशील है, क्योंकि क्या है, वो विकासशील है। और अल्प विकसित होते हैं, जिनमें पूर्व में उपनिवेशवाद का शिकार रह चुके हैं। उपनिवेश का बात का मतलब होता है गुलाम, ऐसे देश जो दूसरे देश से गुलाम रह चुके हैं, है ना, वो कहलाएंगे तीसरी दुनिया के देश। फिर दूसरा जब महायुद्ध हुआ है, उसके पश्चात क्या हुए? आजाद हुए है। ऐसे देश अधिकतर क्या है? गरीब है, आर्थिक दृष्टि से कैसे कमजोर है। इसके विपरीत जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ना विकसित देश, है ना, ये कभी किसी औपनिवेशिक शोषण का कभी शिकार नहीं बने, कभी किसी गुलाम रहे क्या ये नहीं रहे। अतः वे आर्थिक रूप से कैसे संपन्न है, पैसे वाले हैं। अतः उक्त परिस्थिति के कारण इन विकसित तथा तीसरी दुनिया के देशों में सुरक्षा संबंधी खतरों में भिन्नता अथवा अंतर होना स्वाभाविक ही है। जहाँ विकसित देशों के लोग सिर्फ बाहरी खतरों से ही डर रहते हैं, विकसित देश के लोग सिर्फ काहे डर लगता है उनको कि कोई बाहरी देश हम पे आक्रमण ना कर दे, ना भाई, तीसरी दुनिया के देश बाहर के खतरे से भी और अंदर के खतरे से भी, देश के अंदर महामारी ना फैल जाए, देश के अंदर पैसे कमी ना पड़ जाए, बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से सामना करना पड़ता है। उक्त के अंतर्गत तीसरी दुनिया के जनसाधारण को पर्यावरण की वजह से विकसित देशों की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब जो विकसित देश है, विकसित देश को सिर्फ किससे खतरा है? बाहर के देशों से क्या है? खतरा है। लेकिन जो तीसरी दुनिया के देश है, जो गुलाम रह चुके हैं, जो अभी अभी आज़ाद हुए, उनको देश के बाहर से खतरा तो होता ही है, लेकिन देश के अंदर भी खतरा होता है, कहीं देश के अंदर ही हम किसी हमारे साथ मतलब कुछ बोर ये न हो जाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, कुछ पूछना इसमें? अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला प्रश्न देखो जो आ सकता है पेपर में। ठीक है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत? आतंकवाद का मतलब क्या होता है? दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो जबरन बेवजह किसी को भी मारते हैं, धर्म के नाम पर मारते हैं, है कि नहीं? जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ आतंकवादी लोग बहुत होते हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं? इस्लाम को ना मानने वाले को ये मार देते हैं। ठीक है, ऊपर है ना, हाँ, जो नहीं मानते आतंकवाद, ये क्या करते हैं? आतंकवाद करते हैं ना। ठीक है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में, हमको ये बताना है कि आतंकवाद जो होता है वो परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत। ठीक है, 21वीं शताब्दी की वैश्विक सुरक्षा की नवीन चुनौती आतंकवाद अपरंपरागत सुरक्षा की श्रेणी में आता है। अपरंपरागत है, या पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादी पैदा जाएंगे और उन्हीं के लोग को मारेंगे वो। अभी न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान खेलने नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि पाकिस्तान के जो खुद के देश के अंदर के आतंकवादी थे, उनने धमकी दे दी थी कि हम किसी क्रिकेटर को उड़ाने वाले करके। तो देश के अंदर ही खतरा होता है, और जी आतंकवादी लोग फिर विदेश में भी खतरा कर देते। ठीक है, है ना। 21वीं शताब्दी की वैश्विक सुरक्षा, मतलब पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या? आतंकवाद जो है वो अपरंपरागत सुरक्षा में आता है। आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए विश्व के देश, क्षेत्र अथवा वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग प्रदान कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। पूरे देश लोग मिल चुके हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, पूरे देश मिल चुके हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। चूंकि आतंकवाद एक नवीन छिपी हुई चुनौती है। आतंकवाद क्या है? एक नई और छिपी हुई चुनौती है। अतः इसका मुकाबला परंपरागत सैन्य तरीकों से नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए इसको सैनिक, आपस डायरेक्ट सैनिक भाई कार्रवाई नहीं कर सकते।